बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। राजवाड़ा से रैली लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पुष्यमित्र भार्गव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा था। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने दाखिल किया नामांकन। राजवाड़ा से रैली लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पुष्यमित्र भार्गव। पुष्यमित्र भार्गव के साथ नजर आया कार्यकर्ताओं का हुजूम। दिग्गजों की उपस्थिति में भार्गव ने दाखिल किया नामांकन। कार्यकर्ताओं का काफिला लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के साथ राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक रमेश मैंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हाडिया, मालिनी गौड, बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे, सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा, गोपी कृष्ण नेता प्रमोद टंडन व सुमित मिश्रा समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ये चुनाव योग्यता अयोग्यता का चुनाव है, धन वर्सेस मन का चुनाव है, और कोई चुनौती इसलिए नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन ड्यू हुए थे, जिस दिन इलेक्शन होने थे, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्वयं महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपने चुनाव की तैयारी कर रहा था, और जिस ज्वार से, जिस वेग से आज नामांकन हमने भरा है, उससे प्रचंड जीत साबित होती है। धन के आगे मन से काम करने की, नियत से काम करने की जीत होगी। जिस तरह से वार्डों में जो है विरोध की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और उसका निर्णय और परिणाम जिस दिन रिजल्ट आएंगे आप सब और हम सब देखेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पुष्यमित्र भार्गव के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।